इसलिए अगर आप CAGR की नॉलेज, आपको रिटर्न्स की नॉलेज होगी तो आप काफ़ी जगह बेवकूफ बनने से बच जाएंगे, स्पेशली इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सपोज आपने स्टॉक मार्केट में 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको लिनियर रिटर्न्स नहीं देता, इट गोज अप एंड डाउन, तो कुछ साल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मे बी 50%, 60%, 70%। कुछ साल आपको एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे, मे बी 20%, 15%, और कुछ साल आपके स्टॉक मार्केट में बहुत खराब भी जाएंगे, मे बी आपको 0% रिटर्न मिले, 5% रिटर्न मिले, -10% रिटर्न मिले। तो अगर आपको 10 साल बाद अपने इन्वेस्टमेंट का ईयरली बेसिस पे आपको रिटर्न पता करना हो कि मेरे को हर साल स्टॉक मार्केट से कितने रिटर्न्स मिले, तो आप क्या करोगे? सो इसका आंसर होगा CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करना। अगर आप स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड हैं, आप स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा CAGR रिटर्न्स, बट बहुत ही कम लोगों को इसका एक्चुअल में रियल मीनिंग पता होता है। सो आज की इस वीडियो में हम CAGR रिटर्न्स और ये क्यों नेसेसरी है और इसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में ही सीखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एज ऑलवेज। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो वट इज़ CAGR? CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड मीन्स कि जो CAGR रिटर्न्स आते हैं वो एक कंपाउंडेड वैल्यू है। एनुअल मीन्स कि आपको लास्ट 10 साल के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पता करने हो, तो अगर आप CAGR यूज़ करेंगे तो वो आपको एक एनुअल ईयरली रिटर्न्स देगा। एंड ग्रोथ रेट मीन्स कि कितने रेट से, कितने ग्रोथ से वो इंक्रीज हुआ। सो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का एनुअल ग्रोथ रेट क्या है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो CAGR आपको यही बताता है कि आपने हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा अर्न किया ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सो CAGR इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न्स, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गिरती हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट। सो CAGR फार्मूला, CAGR का फार्मूला है एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू रेज टू द पावर 1/n-1। हेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, इन्वेस्टमेंट ईयर्स। सो CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करने का बेनिफिट क्या है, या किन केसेस में हमें CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है? तो मेजरली CAGR रिटर्न्स के दो बेनिफिट हैं, और दोनों ही बेनिफिट आज हम इस वाइट बोर्ड पर कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ कैलकुलेटिंग CAGR रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 10,000 रुपये से, आपने पहली इन्वेस्टमेंट की 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 को, तो आपका 10,000 का पोर्टफोलियो 12,000 रुपये में लाइक चेंज हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। तो आपका एक साल का ग्रोथ रेट क्या होगा, फाइनल वैल्यू 12,000 - इनिशियल वैल्यू / इनिशियल वैल्यू, तो आपके फर्स्ट ईयर के रिटर्न्स आए 20%। तो ये थे आपके फर्स्ट ईयर के इंडिविजुअल ईयरली रिटर्न्स। अब लेट सपोज कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी, तो सेकंड ईयर में आपकी इन्वेस्टमेंट डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। आपके वो 12,000 रुपये, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो 10,000 से 12,000 हो गए थे, तो आपको 12,000 का आपका पोर्टफोलियो अब 14,000 का हो जाता है सेकंड ईयर के बाद। तो आपके सेकंड ईयर के रिटर्न्स कितने होंगे, सेकंड ईयर ग्रोथ रेट कितना होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, सो 14 - 12 / 12,000, तो ये रिटर्न्स मिलेंगे आपको 16.66। तो आपके सेकंड ईयर के इंडिविजुअल रिटर्न्स हुए, उस ईयर के इंडिविजुअल रिटर्न्स हुए 16.66। सो अप्लाइंग द सेम लॉजिक, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को थर्ड ईयर तक कंटिन्यू रखा, तो थर्ड ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर होगा 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। आपका लाइक 2 ईयर में कैपिटल हो गया था 14,000, तो अब आपका पोर्टफोलियो थर्ड ईयर में हो जाता है 14,000 से सपोज 19,000, तो थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट आएगा 19,000 - 14,000 / 14,000, विच इज़ 35.71%। तो ये थर्ड ईयर का आपका इंडिविजुअल ग्रोथ रेट हुआ। सो पहले हमने आपके पोर्टफोलियो के हर एक साल के इंडिविजुअल रिटर्न्स फाइंड किए थे, तो आइए अब उसी रिटर्न्स को हम CAGR में देखते हैं कि वो कितना आया। सो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 10,000 रुपये से, आपका 3 साल के बाद पोर्टफोलियो की वर्थ थी 19,000, सो आपका CAGR रिटर्न्स आएगा एंडिंग वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू या बिगिनिंग वैल्यू रेज टू पार 1/n-1, तो 19,000 / 10,000 रेज टू पार 1/3, बिकॉज आपने 3 साल इन्वेस्टमेंट की -1, तो ये आपका रिटर्न्स आया 23.86%।
सो बेसिकली ये CAGR 23.86% एक ऐसा नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू या आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल किस रेट से इंक्रीज हुई। फॉर एग्जांपल हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा था कि आपका पोर्टफोलियो पहले साल में 20% राइज किया, सेकेंड साल में 16.66% राइज किया, थर्ड साल में 35.71% से राइज किया। तो रेदर देन कि हर एक साल का इंडिविजुअल कैलकुलेट करें, ये CAGR रिटर्न्स 23.86% ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हर साल ऑन एन एवरेज आपका पोर्टफोलियो इस परसेंट से राइज किया। तो ये बेनिफिट है CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करने का। और अभी तो डेटा सेट 3 साल का है तो आपको लग रहा होगा कि हम क्यों ही निकालें CAGR, बट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि लास्ट 50 साल का आप स्टॉक मार्केट का लाइक डेटा निकालिए, तो हम 50 साल का इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा जान के क्या ही करेंगे। इट्स बेटर फॉर अस टू कैलकुलेट द CAGR रिटर्न्स कि पहले साल से 50 साल के बीच में लाइक 1 साल से 50 साल तक स्टॉक मार्केट ने कितने रिटर्न्स दिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन कैलकुलेटिंग कि हम हर एक साल का इंडिविजुअल रिटर्न्स निकालें। तो ये एक मेजर बेनिफिट रहता है CAGR रिटर्न्स का। सो आइए अब जो हमने CAGR रिटर्न निकाले थे 23.86% के, उसको विजुअलाइज करके देखते हैं कि उसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है। सो आपका पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ था 10,000 रुपीज़ से, हमने उसको इंक्रीज किया 23.86% से, बिकॉज CAGR यही रिप्रेजेंट करते हैं कि हर साल आपका पोर्टफोलियो किस परसेंट से राइज किया। तो पहले साल बाद इस परसेंट से राइज करने के बाद आपका पोर्टफोलियो होगा 12,386, सेकेंड ईयर में वही 23.86% की वैल्यू से राइज करने के बाद आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी ये 15,341, और फिर थर्ड ईयर में भी अगर हम उसी रेट से आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज करें तो वो आपका हो जाएगा 19,000। सो बेसिकली मतलब यही है कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे आप 10,000 से 19,000 तक, और हर एक ईयर में आप किस एक कांस्टेंट पेस से इंक्रीज किए, दैट रिप्रेजेंट CAGR रिटर्न्स। तो आप इस पेस से इंक्रीज करेंगे तो आप 10,000 से 19,000 तक पहुंच जाएंगे 3 सालों बाद। CAGR रिटर्न्स कैलकुलेट करने का सेकेंड बेनिफिट उन जगह पे है जहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट पिच की जाती है, आपको एक लमसम वैल्यू शो की जाती है। फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए, 3 साल बाद आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती है 1,900 रुपीज़। सो अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकालेंगे तो वो आएंगे 90%। आपको लगेगा कि 3 साल में आपका म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट डबल हो गया, बट दिस इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट और एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज आपको हर साल के रिटर्न्स नहीं पता कि किस वैल्यू से म्यूचुअल फंड वो राइज किया। इसलिए हम निकालते हैं CAGR रिटर्न्स 1900/1000^1/3-1, तो आपके CAGR रिटर्न्स आएंगे 23.8%। तो ये एक रिप्रेजेंट 23.8% एक नंबर है जो वो रिप्रेजेंट करता है कि हर साल आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू किस पेस से राइज की, किस रेट से राइज किया। और हाँ, अगर आपको CAGR रिटर्न्स की नॉलेज हो तो आप कई जगह पे बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आपको कोई एंडोमेंट पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ऐसा बेचा जाएगा या मनी बैक पॉलिसीज बेची जाएंगी, तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि 60 साल में आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, 30 लाख रुपये मिलेंगे। बट अगर आप 30 साल या 40 साल के उस ड्यूरेशन में उस रिटर्न्स का CAGR निकालेंगे तो आपको पता लगेगा वो बेरली 4-5% आएगा, एंड विच इज़ लाइक नथिंग, कि वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप CAGR की नॉलेज, आपको रिटर्न्स की नॉलेज होगी तो आप काफ़ी जगह बेवकूफ़ बनने से बच जाएंगे, स्पेशली इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी क्रिएटिविटी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ अपने डाउट्स ज़रूर कॉमेंट करें, हम हर कॉमेंट का रिप्लाई करते हैं। इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने के लिए ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिनलैंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस इज़ अनमोल शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।